ए, कौन हो तुम? इनकी माँ हूँ, लेकर जाने के लिए आई हूँ। क्या कहा? इनकी माँ हो क्या? देखने में तो औरतों जैसे भी नहीं दिख रही हो। अच्छा, औरत जैसी नहीं दिख रही हूँ। ए, इनको लेकर जा रहे? मैं औरत हूँ या नहीं इसको दिखा कर आती हूँ। ए, अरे यहाँ क्या चल रहा है रे? ए, ओ, 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 ओ। अरे क्या कर रहा है यार? धीरे से, कूल बेबी, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? अरे मोटू, क्या नाम है तेरा? मणि। मणि है ना, तो दे देना। तेरे होट मेरे को मूड दिलाते हैं, दे के जल्दी आना। मैंने मणि नहीं मांगा रे, मेरा नाम मणि है। शिव मणि तो नहीं है ना? देख मोटू, घर में बच्चे नहीं दिखे तो डर लगता है, क्योंकि पैदा किया है ना। रोड साइड में ये लोग नहीं मिलते हैं तो मुझे इरिटेशन होता है, क्योंकि ये लोग मेरा बिजनेस है। ची, तुम इंसान हो क्या? ए, अनाथों को मेरे से दूर रखना पाप है रे, वो सब मेरे ही है, समझा? मुझे बच्चे दे देना रे। बच्चे नहीं दिया ना रे तो तेरी फैमिली में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जो कुछ है यही मेरी फैमिली। ये भी अनाथ है, लेकर आओ। ए, चलो रे। ए, 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 अरे अरे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आप ये क्या कर रहे हो? ये पाप क्यों कर रहे हो? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उन्हें प्लीज। कौन है बे तू? इस बच्ची को लेके यहाँ कौन आया? भाई, अनाथों का भगवान है ये। नमस्कार करो, भाई आया है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? हॉलिडे है ना, अपने दादी के घर गए। तेरे बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा। ओ, फिर अनाथ बच्चों का क्या? वो अनाथ नहीं है। अनाथ लोगों के लिए ये भारत देश अनाथ नहीं होना चाहिए। उनको विदेश में भेज कर इस देश से अनाथों को कम कर रहा हूँ, इनकरेज करने के बजाय। ऐसे अटैक करेगा क्या लंबू? पैसा नहीं था इस पांडे के पास, आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ इन अनाथों की वजह से ही हूँ। मेरा नाम कस्तूरी पांडे से अनाथ पांडे बदल चुका है। नाम आसानी से बदल लूंगा, लेकिन अपना बिजनेस नहीं बदल पाऊंगा लंबू। तेरे भी बच्चे है ना, अगर तुझे कुछ हो गया तो वो भी तो अनाथ हो जाएंगे। उनके बारे में सोच, तब तू इनका दुख समझ पाएगा। ए, मदर टेरेसा बन के ये आदमी आया रे, हम बदल जाएं या भाग जाएं? है? एक एक को यहीं काट दूंगा, उसके बाद इन बच्चों को ले जाऊं। ये बात नहीं सुन रहा है, इसीलिए इसे भगवान के पास भेजना होगा। भेजो। ए, रुको। मरेगा क्या? ए, पागल हो गई है क्या तू? ए, क्या कर रही है? भैया, इनको मारो भैया, इनको छोड़ना मत भैया, इनको मारो, छोड़ना मत भैया, इनको भैया, इनको छोड़ना मत, मारो भैया इनको। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, छोड़ दो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, प्लीज। ए, तुझे मारा तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लेगा तू, अरेस्ट करवाया तो बेल लेके बाहर आ जाएगा और दोबारा ऐसा गंदा धंधा शुरू। अरे अरे, तुझे जिंदा छोड़ना देश। ए छोटी, बुरा मत मान, ये तो मेरा काम है। नहीं नहीं, ये सिर्फ धंधा है,
धंधा है। भैया इसको मार डालो। गब्बर मर गया। चल बाहर निकल। ये तो बहुत बड़ा रेसर है रे। तेरा नाम क्या है? अप्पा राव सर। ओ, अप्पा राव सर है। सर इसे निकालो सर, इसको निकालो। आरसी में मधु है तो तूने अप्पा राव क्यों बोला रे? मैंने पढ़ाई नहीं की सर। ओ ये बात है सर। सर सर ऐसा नहीं है सर। मुझे समझ में आया रे। किसी से कार खरीद के अपने नाम कर ली। हाँ सर ठीक है सर। वन ईयर बैक कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें दो लोग मारे गए। फिर केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया था। अब हमें जो कार मिली है उस कार का नंबर वन ईयर पेंडिंग केस का भी यही है। इसमें कुछ क्राइम है, मैं ये केस हैंडल करूंगा तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की मदद से क्राइम तक आसानी से पहुंच पाऊंगा। तेरी क्राइम स्टोरी क्या है बता? क्राइम स्टोरी नहीं है सर, लव स्टोरी है। अच्छा मैं बताऊँ क्या वो क्राइम स्टोरी है या लव स्टोरी है? मुझे अच्छी तरह से बता। बेटी, अरे बेटी दरवाजा तो खोलो। ओ, खोलो ना। अरे रे रे रे। तुम गांव में सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी और यहाँ 10 बजे तक सो रही हो। क्या है माँ? पड़ोसी के घर में डोसे का आटा फ्रिज में रखा है, जाकर लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगी। ये राक्षसी, तुझे मेरी बात नहीं सुनाई देती? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देख रहा हूँ सभी के ऊपर तुमको गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा करने से क्या होगा, पुराना फ्रिज खराब हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। नया खरीद नहीं रहे हो और न इसकी मरम्मत करवा रहे हो। हर महीने 2 लाख रुपए तनख्वाह पाते हो, सारा पैसा अपने बेटे के नाम पे जमा करते हो और सारी कंजूसी मुझ पे दिखाते हो इसकी वजह से। अच्छा ये बताओ तुम मुझे डांट रही हो कि अपने बेटे को डांट रही हो? माँ इस महीने की पूरी सैलरी मैं आपको ही दे दूंगा, आपकी जो मर्जी हो वो खरीद लेना मेरी प्यारी सी मम्मा। चलो मैं चलता हूँ माँ। अरे भूखे जा रहे हैं, नाश्ता तो कर ले। मैं चलता हूँ। बाय पापा। जैस्मिन तमन्ना नहीं आई क्या? तुम सिर्फ उसके बारे में ही पूछोगे क्या? कभी मेरे बारे में भी तो कुछ पूछो ना। वर्कआउट नहीं हुआ क्या? ए ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ अभी। हाँ बेवकूफ कहीं का। अरे सुनो ये मछली कितने की है? 50 रुपए। बहुत महंगी है हमारे गांव में। दादा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बेटा इधर ही काम करता है। ऐसा क्या? इसी गली में रहता हूँ। अच्छा अच्छा परिवार में सब ठीक है ना? सब ठीक। मेरा घर यहाँ पास में ही है। चलो चलो चलो। और बताओ भाई
सुब्बा राव के बेटे सत्ती और दद्दा भाई का बेटा दत्तू कैसा है? वो सब तुम्हें अच्छे से याद है। अब क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिजनेस का तो कर्ज, बिजनेस किया तो प्रॉब्लम, और क्या मिले। चलो अच्छा कॉफी लो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी यार, बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए, बाकी जो बचे हैं वो फिश के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे भाई और भाभी के मरने के बाद उनकी बेटी की परवरिश तुम ही कर रहे थे ना? गांव में इस बात की बहुत चर्चा होती है। अभी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है? उधर देखो ना। अरे रे रे रे, लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना। देखो ना कितनी बड़ी हो गई है। वेटर वाटर। वेटर को आवाज देकर वाटर के लिए वेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वेटर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। प्लीज ट्राई टू कॉल एक्सक्यूज मी। सॉरी मैडम। प्लीज हैव योर सीट। अच्छा ऐसी बात है। एनीथिंग यू वांट? अच्छा अच्छा ओके। हर समय फेसबुक में ही घुसे रहते हैं आजकल के बेवकूफ लोग, पता नहीं कैसे। चलत। ए ब्लैक कॉफी। अरे माँ, माँ क्या हुआ? माँ माँ क्या हुआ? माँ माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? आप ठीक हो? माँ 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 क्या हुआ? माँ तुम ठीक तो ना? क्या हुआ माँ? माँ उठो, थोड़ा चक्कर आ गया था। हर तीन दिन उपवास करती हो ना, बाकी के तीन दिन भी कर लिया करो। पापा आप चुप कीजिए, आपको हर समय मजाक सूझता है। पहले माँ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, क्या हुआ बताइए ना। सडनली माँ को चक्कर आ गया और एकदम से गिर गई। कोई सीरियस बात है क्या अंकल? सब ठीक तो है ना? नथिंग सीरियस, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा बीपी डाउन हुआ है, एक इंजेक्शन दे देता हूँ, सब ठीक होगा। इसको देखिए ना भैया, मैं थोड़ी बीमार हो जाऊं तो छुट्टी लेकर घर आ जाता है, इसीलिए गांव छोड़कर हम यहां पर आ गए। आपसे प्यार जो करता है। चले माँ, संभल कर, जरूरत पड़े तो आ जाना। बाय अंकल। हाँ आराम से आ जाओ। ये क्या है जी, आपको जूस चाहिए तो मुझसे बोलना चाहिए था ना। अरे ये जूस मेरे लिए नहीं, मेरे पापा की बहू के लिए है। आपकी उम्र हो रही है, लेकिन इतनी उम्र होने पर भी मजाक की आदत नहीं गई आपकी। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। मैं डॉक्टर के घर गया था ना, वहाँ उसकी बेटी की फोटो देखी, बहुत खूबसूरत है वो। सच कहा, हमारा बेटा भी क्या, वो भी सत्या जैसा ही है ना। सही कहा, उनकी शादी के बारे में मैं डॉक्टर से बात करने की सोच रहा हूँ। देखिए वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा सोचना ही हमारे लिए बड़ी बात है। क्या यार ऐसे बिना बताए आ गए? तो एक घंटे के बाद आता। अरे बन गया, मजाक करता रहता है। अरे सुनो देखो कौन आया है। तुम्हारे ड्राइवर को मेरा एड्रेस अच्छी तरह याद है, तभी तुम्हें जल्दी से लेता आया। पानी पीजिए भैया। अच्छा शादी के बाद इतने दिनों से देख रही हूँ, शहर में आने के बाद भी जरा सा बदलाव नहीं आया आप में। बचपन का दोस्त है ना। बच्चे कहाँ हैं? बेटा तो ऑफिस गया है। हाँ। और बेटी कॉलेज गई है। हाँ भैया जी आप सब ठीक तो है ना, कैसी है बेटी? बेटी का क्या, एकदम महारानी जैसी है, ऐसे संस्कार दिए हैं उसे। आप लोग बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, बहुत दिन बाद आए हैं ना, खाना खा के ही जाइएगा। पुनीति आप रुकिए, हमारे संप्रदाय में कुछ खाया तो फिर वो ठीक नहीं होता है। मैंने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैंने हॉस्पिटल में उसे देखा तो वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। अगर वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है तो वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा, ये मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना। हम अपने बचपन की दोस्ती को ध्यान में रखें तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तो। अरे क्या बात है, बोलो तो पहले। मैं अपनी बेटी से तुम्हारे बेटे की शादी करवाना चाहता हूँ। अरे डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टरी के साथ साथ ज्योतिष विद्या भी आती है क्या? अब क्या हो गया? और नहीं तो क्या, हम दोनों तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे तब तक तुम आ गए, शादी के बारे में हम बात ही कर रहे थे, अब तुम खुद पूछ रहे हो। क्या बात है, तुम ना करोगे ये सोचकर टेंशन में था। मैं क्यों ना बोलूंगा यार, फिर भी मैं चाहता हूँ बच्चों से एक बार पूछ कर देख लिया जाए, है ना।
मेरी बेटे के बारे में मुझ पर ही छोड़ दो। अच्छा, मैंने भी अपने बेटे को एक बार किसी चीज के लिए बोल दिया ना तो वो ना नहीं करेगा। हाँ। सरियो? Yes, Dad. Hey, I'll call you back later. Dad's calling. Okay, bye. तुमसे कुछ बात करनी है बेटी। बोली डैडी। तेरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है बेटी? तात अब्बाई मेरा बचपन का दोस्त है, ये तो तुम जानती हो ना। उसका बेटा सत्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छा परिवार। मेरा शादी का अभी कोई इरादा नहीं है डैडी। किसी को प्यार करती हो क्या? हाँ डैडी, प्यार करती हूँ, बट आई डोंट लाइक हिम एनीमोर। देखो सरियो, इस दुनिया में मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं हूँ, हमारा और कोई रिलेशन भी नहीं है। मुझे हार्ट अटैक भी आ चुका है डैडी। तुमको बताऊंगा तो तुम डर जाओगी, इसीलिए बताया नहीं। मुझे कुछ हो गया तो डैडी। सरयू, जब तुम 6 साल की थी, जब तुम्हारे माँ और पापा गुजर गए, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? ये सोचकर मैंने कभी भी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तुम ही मेरी सब कुछ हो डैडी। मेरी बात मान जाओ प्लीज। तात अब्बाई की फैमिली में जाओगी तो फिर वहाँ तुम्हें माँ और पिता का प्यार मिलेगा। सत्या भी बहुत अच्छा लड़का है, माँ से बहुत प्यार करता है, तो फिर अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करेगा। इस बार तुम मेरी बात को मान जाओ प्लीज। ठीक है डैडी। ओके, एज यू विश। थैंक यू बेबी। यजमान, श्रीरस्तु शुभमस्तु अभिघ्नमस्तु स्वस्ति श्री चंद्रमाना मन्मथनाम संवत्सर वैशाख शुक्ल चवीति बुधवार रोहिणी नक्षत्र कुंभ लग्न में शादी की सगाई के लिए ये ठीक रहेगा। आप दोनों आपस में थाली बदल लीजिए। सरयू, मैं बहुत खुश हूँ आज। माँ ने जैसी बहू सोची थी, तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो। साड़ी में ट्रेडिशन लग रही हो, सच कहूँ तो बहुत अच्छी लग रही हो। फर्स्ट लुक में ही तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया है। सरियो? I'm so sorry. कुछ बोल रहे थे क्या? वो तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो बहुत इरिटेट हो रही हूँ। क्या साड़ी सत्या? आई हेट दिस साड़ी। ओफो, हॉरिबल। तो फिर तुमने ये साड़ी पहनी क्यों? ओ कम ऑन सत्या, कैसी बातें कर रहे हो। चलो ये मान लेते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड गांव से आए हैं तो समझ सकती हूँ, बट यू आर वेल एजुकेटेड ना सत्या। सरयू, हेलो राहुल। ओ रेव पार्टी है। या आई विल कम। ओके चलो बाय। लुक सत्या, मुझे ये वीकेंड रेव पार्टीज एंड फ्रेंड्स एंड कॉफी शॉप ये सब बहुत पसंद है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद देम। मुझे एंजॉय करने के लिए मेरे फादर भी नहीं रोकते। शादी के बाद अगर तुम भी मुझे रोकोगे नहीं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। वन सेकेंड या राहुल। ओके वेट, आई कम। ओके सत्या, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, आई हैव टू लीव। ओके सी यू, बाय। Daddy?
दादी। हेलो दादी। सर यू माय डैड। डैड व्हाट? टेक केयर बाबा, टेक केयर। दादी। हेलो। हेलो सर यू। सत्या मेरे डैडी को। क्या हुआ उन्हें? मेरे डैडी। अरे हुआ क्या उन्हें? माय डैड सत्य। रुको मैं आ रहा हूँ। अंकल अंकल डैडी। अंकल अंकल आप ठीक तो हैं? क्या हुआ अंकल? अंकल अंकल क्या हुआ इन्हें? भाई संभल कर आराम से। सरयू तुम अब कैसी हो बेटी? तबीयत ठीक तो है ना? मुझे कैसे आना है पता ही नहीं था, ये तो हॉस्पिटल में था ना। क्या डॉक्टर, तुमको ऐसी हालत में देखूंगा सोचा नहीं था। कुछ नहीं हुआ रे सरयू। डैडी। पुण्यवती मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में रख रहा हूं। बहू जैसी नहीं बेटी की तरह हमेशा ख्याल रखोगी, मुझे पता है। आप उसे अपनी बेटी बनाकर ही रखिएगा ताकि मैं खुशी खुशी मर सकूं। आप ऐसी बातें मत कीजिए भैया जी, आप हिम्मत से काम लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, सरयू मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। सत्या अंकल मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, छोटी छोटी गलती पे इसे माफ कर देना। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, आप रेस्ट कीजिए, मैं हूं ना। सरयू क्यों इतना उदास हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? I'm sorry, Daddy. क्यों, आप क्या हुआ, डर गई क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ ना। डैडी आपने कहा था मेरे मम्मी पापा दोनों होंगे, मुझे उस दिन समझ में नहीं आया। सत्या और उसके घरवाले बहुत अच्छे हैं, तुमको बहू के जैसा नहीं बेटी की तरह तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हारी सास तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो सास नहीं है डैडी, माँ है। हेलो। अरे डॉक्टर कैसी तबीयत है? आप लोग हैं तो मुझे क्या? फोन इधर तो दीजिए, मैं बात करूंगी। अब तुम्हारी बहन बात करेगी। दो यार। भैया जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। काम वाली ठीक से खाना बना तो रही है, वरना मैं आपके लिए खाना भेज देती हूँ। ठीक है। भैया सरयू कैसी है? इधर ही है, बात करो ना। तुम्हारी सास माँ। बस बेटी इस जीवन में तुमने मुझे इस तरह से माँ कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरा सौभाग्य है बस। गुड मॉर्निंग डैडी। सरयू गुड मॉर्निंग, क्या तुम दोनों साथ में कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं डैडी, सत्या घर में ही रहेगा। फिर? कॉफी शॉप फ्रेंड्स को देखने को कहा है, अब से मैं शॉप पर नहीं जाऊंगी, सब कुछ उन्हें ही हैंड ओवर करके आऊंगी, और मैं घर पर रहकर सासू माँ और ससुर जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं तुमको वहाँ छोड़कर हॉस्पिटल निकल जाऊंगा, मैं एक जरूरी काम से शाम को दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है ना? ओके। मंगा सर। दामाद जी घर पर ही रहेंगे, उनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है सर। साहब जी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया है मुझे जाना है। ठीक है तुम जाओ। सरयू कल तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी ना, कैसा रहा? तुझे तो एक्सपीरियंस है ना, वो सब तो ट्रायल था, फर्स्ट नाइट मतलब दूध कूल और स्वीट होता है ना। फोन किया तो उठाया क्यों नहीं, 24 घंटे वही काम है क्या? अब मैं कॉफी शॉप में नहीं आऊंगी, तुम लोग ही देख लो। हाँ शादी हो गई तो नौकरी छोड़ देगी, वो टॉपिक रहने दो, कल लंच के लिए घर पे आ जाओ। ओके ओके। क्या ये क्या बैचलर पार्टी ना?
क्या यार, फोन भी स्विच ऑफ है। ये रहा, ये भी काम नहीं कर रहा। हाँ, ये किसका मोबाइल है? सिम चेंज कर लेता हूँ। मुझे जाना होगा, सत्या कॉल कर रहा है। ओके बाय, कल लंच के लिए घर पर आ जाना। ओके ओके बाय बाय। जो भी कहा वो सच है सर। तुमने जो बोला वो सच है। ए, तुमको एक सच बताओ क्या? ये मोबाइल कब ऑन होगा? वन ईयर से वेट कर रहा हूं। ये मोबाइल मुंबई माफिया लीडर रंजीत नाम के एक डॉन का। एक साल पहले एक मिनिस्टर का इसने ब्लैक मनी चोरी किया था। ब्लैक मनी है ना, वो मिनिस्टर इस चोरी पर लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि वो लोगों के पास से चुराया हुआ पैसा है। सो महाराष्ट्र पुलिस इसे हायर ऑफिसर्स के साथ वो पैसे रिकवरी करने के लिए काफी दिनों से ट्राई कर रही हैं, लेकिन वो रंजीत इतना शातिर है कि अब तक उसका चेहरा किसी भी पुलिस को नहीं मिला है और वो उसे ढूंढ रही है। मुझे एक संदेह है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से क्राइम डिपार्टमेंट में जाना है। उस एम्बिशन से ही उसका नंबर लिया था। उसका नंबर मेरे पास आने से पहले ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब तेरे पास ये फोन ऑन हुआ है, IMEI नंबर से ट्रेस किया। ये मोबाइल मेरे रिकॉर्ड चेक करने के बाद एक लड़की का नंबर है ये पता चला। उसके साथ बहुत करीबी रिलेशन भी है। वो कितना है कि बहुत क्लोज है। देखो भाई, इसमें ट्विस्ट क्या है कि रंजीत की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, तुम्हारी वाइफ सरयू है। यस, तेरी वाइफ सरयू। हाँ, तुम थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो तेरी वाइफ के जरिए उसको पकड़ूंगा। नहीं होगा ऐसा ड्रामा किया तो मैं ये केस क्राइम डिपार्टमेंट के पास भेजूंगा। दोनों को गिरफ्तार करेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 1,000 करोड़ का मामला है। पैसा सबको पसंद है ना। तुम इस बारे में अपनी वाइफ को भी बताना मत, अगर कुछ गड़बड़ की तो फिर तेरा एनकाउंटर होगा। मैं उतना अच्छा आदमी भी नहीं हूं। सर, आपकी जो मर्जी हो आप वो करो, मैं अभी उसे छोड़ रहा हूं। बाय। हेलो मंगा। मैडम जी। कहाँ हो? मैं अपने घर पे हूँ। सत्या कहाँ है? पता नहीं मैडम, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं सर से पूछ के घर आ गई मैडम। कहाँ गया होगा? रंजीत की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, तुम्हारी वाइफ सरयू है। उसके साथ बहुत करीबी रिलेशन भी है। वो कितना है कि बहुत क्लोज है। रंजीत की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, तुम्हारी वाइफ सरयू है। उसके साथ बहुत करीबी रिलेशन भी है। वो कितना है कि बहुत क्लोज है। सत्या ही आया होगा। कौन हो आप? मैं आई कमिन। ठीक है, अंदर आओ।
यस टेल मी। हेलो दिस इज जैस्मिन। फर्स्ट नाइट एक्सपीरियंस हो गया लगता है। हेलो सही तो कहा, फिर भी एक आदमी फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है ये बोलना बहुत मुश्किल है ना। ए क्या बकवास कर रही हो। हेलो तेरा पति भगवान रामचंद्र नहीं है। एक्सक्यूज मी जस्ट गेट आउट। ओ नया पति है ना, यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। प्रूफ दिखाऊं क्या? क्या हो गया, अकेला आया है? बहू कहाँ है? अरे बता ना, बहू को लेकर नहीं आया? अरे क्या हुआ है, अब ऐसा क्या हो गया? सत्या सत्या क्या हुआ है बोल तो। सरयू ने हमें धोखा दिया है माँ। अरे क्या हो गया, तू क्या बोल रहा है? इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछना, तुम्हें मेरी कसम है माँ। सत्या उठ गया क्या बेटी? सत्या के बारे में पूछा तो तुम यहां चली आई? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? मंगलसूत्र कहाँ है, सत्या कहाँ है? डैडी प्लीज मुझे वो नहीं चाहिए, और मुझसे कुछ मत पूछिए प्लीज। अरे यार तू, बहुत दिन हो गए मिले। आओ आओ बैठो। ये क्या रे, शादी के बाद तुमने पीना शुरू कर दिया? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सत्या छोड़ यार, तुम दूसरी बियर पी रहे हो, क्या हुआ रे? व्हाट हैपेंड, क्या प्रॉब्लम है? सरयू ने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया? शादी हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं। शादी से पहले उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। ए तुम्हारा इस तरह बात करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं उससे मिला। किससे? उसी रंजीत से। कब? रात में। कहाँ रे? भीमली में। लड़कियों का दिल समुन्द्र जैसा होता है यार, उससे पता लगाने के लिए आसमान जैसा दिल चाहिए यार। 2 दिन दुख होगा रे, 4 दिन के बाद दुख थोड़ा कम होगा, फिर 6 दिन के बाद उसकी तुम्हें आदत पड़ जाएगी। गलत हो गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते यार, तुम हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या यार ये क्या हो गया, बहू ने कुछ कहा क्या? मुझे डर लग रहा है भैया, क्या हुआ है इनके बीच में? सरयू से मैंने पूछा तो वो भी कुछ नहीं बोल रही, इनके बीच कुछ हुआ क्या? नहीं यार। ठीक है, हम है ना उनको बिठा के बात करेंगे, शादी अभी हुई है ना, दूसरे को समझने में थोड़ा समय लगेगा। अरे कुछ जल्दी सोचो यार क्या करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हालात ना संभाल पाए। हाँ भैया जी। कुछ नहीं होगा, आप जाइए, हम सब मिलकर बात करेंगे। ठीक है। हेलो थिरु। हेलो कौन? मैं डॉक्टर जगन्नाथ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए अंकल। थिरु सत्या तुमसे मिला था क्या? हाँ अंकल।
सबको अगर हमने छोड़ दिया तो वो अकेलापन है, और सबने अगर हमें छोड़ दिया तो वो भी अकेलापन है। लड़की शादी के बाद अगर अपने दोस्तों के साथ घूमेगी तो उसके पति को कहाँ अच्छा लगेगा, समस्याएं तो खड़ी होंगी। मैंने शादी के लिए मना किया था ना, पर आपने ही मुझे मजबूर किया। अच्छा ये रंजीत कौन है? रंजीत के बारे में आपको कैसे पता? मुझे पता है, कल रात वो उससे मिला है। रंजीत से मिलने का कोई चांस ही नहीं है। सरयू क्या बात कर रही हो? अच्छा ये बताओ रंजीत कौन है? मैं किसी से प्यार करती हूँ बताया था ना, रंजीत से ही करती थी। उसको मरे हुए 1 साल हो गए। मर गया क्या? रात को रंजीत मिला था ऐसा बोल रहा है वो? डैडी 1 साल पहले मैं आपको हॉस्पिटल में मिली थी ना। हाँ क्या हुआ सरयू, यहाँ क्या कर रही हो? वो डैडी आपसे मिलने के लिए आई थी मैं यहाँ पर। मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? डैडी। हाँ हेलो डॉक्टर। ओके 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 या श्योर आई विल कम। उसकी वही मौत हो गई। आपको देखकर समझ नहीं पाई कि क्या कहूं, इसलिए आपसे झूठ कह दिया। Have you seen that? Ranjit, last night he had a head injury. Immediately he is unconscious. Patient to head injury होने के बाद he become unconscious again. He came after this hospital. He was alive for 5 hours and then he expired. उसने इतना दूर का सफर तय किया, जरूर इसका कोई एम्बिशन होगा, नहीं तो इतना दूर नहीं आ सकता था और जिंदा भी नहीं रह सकता था। But anyhow, it's very interesting case. Parts preserve करो, maybe use for next students. हाँ, रंजीत मर गया है, उसके बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व करके रखे गए। क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। एक इम्पोर्टेंट केस के लिए आप सबको बुलाया है। प्रेजेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। वो बेचारा बहुत मेहनत करके ईमानदारी से लोगों की सेवा करके कमाए हुए पैसे से 1,000 करोड़ रुपए विदेश भेजने के लिए अपने पहचान के हवाला ब्रोकर को दिया था। दुर्भाग्यवश वो पैसे लेने के बाद हवाला ब्रोकर हार्ट अटैक से मर गया। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो पैसे वो हवाला ब्रोकर दूसरे हवाला ब्रोकर को दे दिया था, उन पैसों का हवाला नहीं किया था।
फिर ये मामला मेरे पास आया है। मैंने खान भाई के पास मेरे आदमियों को भेजा था, वो खान भाई को और उनके लोगों को मार दिया गया। पैसों की रिकवरी नहीं हुई। वो 100 करोड़ खान भाई ने रंजीत नाम के अपने किसी विश्वासी आदमी के पास छुपाया है ऐसा पता चला है। लेकिन वो रंजीत कौन है, कैसा है, कहां रहता है, किसी को पता नहीं है। उसे पकड़कर उन पैसों की रिकवरी करने वाले को 20% मिलेंगे। आप लोग ये काम कर सकते हैं, मुझे पता है। ओके, बाय द वे, ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए, समझ में आया? डिपार्टमेंट में भी किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। पैसे रिकवरी होने के बाद रंजीत को मार देना, ओके? इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, ओके सर, ओके सर। सर, नेक्स्ट हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? वेट एंड सी। अरे रंजीत, क्या हुआ तुझे? और ये खून कैसा हुआ? क्या? कुछ नहीं हुआ यार। पर ये हुआ कैसे? बस छोटा सा जख्म है। आराम से बैठ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? आइए डॉक्टर, आइए। ओके ओके, आप लेटे रहो, हिलो मत। ये कैसे हुआ? रॉड घुस गया है। रॉड? तुम जाके पानी लेके आओ। जी। आप जो सोच रहे हैं वो सच है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज। ओके, मैं देखता हूं। कोई बड़ी समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, रेस्ट करने दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अकेले बैठ के क्या कर रहा है यार? बस ऐसे ही यार। फिर तू उदास क्यों है? कल केमिस्ट की शॉप पर गया था मैं। बेटा, बेटा। क्या हो रहा था? बेटा, ये फोन काम कर रहा है कि नहीं देखो ना बेटा। ये तो काम कर रहा है। काम कर रहा है क्या? फिर मेरे बच्चे मुझे कभी फोन क्यों नहीं करते हैं बेटा? मेरे बच्चे मुझे कभी फोन क्यों नहीं करते हैं बेटा? माँ बाप की याद मुझे आज तक कभी नहीं आई, क्योंकि उनकी कमी तूने मुझे होने नहीं दी। पर तुझे आज घायल दिखा तो लगा कि कहीं मैं अनाथ ना हो जाऊं यार। बस यही सोचकर मेरा दिल बहुत डर रहा है यार। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, जब तक मैं हूं तू अनाथ कैसे हो सकता है? और मेरा भी तेरे अलावा है कौन? बस छोटा सा जख्म है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तू खुश रह यार। रंजीत, आप कौन है? रंजीत मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? आपका बॉयफ्रेंड कहाँ रहता है आपको नहीं पता है? तुमको पता है कि नहीं? इस एरिया में रंजीत नाम का कोई नहीं है।
एक्सक्यूज मी, जान सकता हूँ आप किसे ढूंढ रही हैं? तुम इधर ही रहते हो क्या? हाँ, आप डिपार्टमेंट से हैं? सही गेस किया तुमने, यहाँ रंजीत नाम का कोई रहता है क्या? लेकिन क्यों? ही इज अ क्रिमिनल, पता चला तो इन्फॉर्म करो। ए, कौन हो तुम? इनकी माँ हूँ, लेकर जाने के लिए आई हूँ। क्या कहा? इनकी माँ हो क्या? देखने में तो औरतों जैसे भी नहीं दिख रही हो। अच्छा, औरत जैसी नहीं दिख रही हूँ। ए, इनको लेकर जाओ रे। मैं औरत हूँ या नहीं इसको दिखा कर आती हूँ। ए, यहाँ क्या चल रहा है रे? ए, ओ, 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 ओ। अरे क्या कर रहा है यार, धीरे से। कूल बेबी, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? अरे मोटू, क्या नाम है तेरा? मणि। मणि है ना, तो दे देना। तेरे होंठ मेरे को मूड दिलाते हैं, दे के जल्दी आना। मैंने मणि नहीं मांगा रे, मेरा नाम मणि है। शिव मणि तो नहीं है ना? देख मोटू, घर में बच्चे नहीं दिखे तो डर लगता है, क्योंकि पैदा किया है ना। रोड साइड में ये लोग नहीं मिलते हैं तो मुझे इरिटेशन होता है, क्योंकि ये लोग मेरा बिजनेस है। छी, तुम इंसान हो क्या? ए, अनाथों को मेरे से दूर रखना पाप है रे, वो सब मेरे ही है, समझा? मुझे बच्चे दे देना रे। बच्चे नहीं दिया ना रे तो तेरी फैमिली में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जो कुछ है यही मेरी फैमिली। ये भी अनाथ है, लेकर आओ। ए, चलो रे। ए, 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 अरे अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आप ये क्या कर रहे हो? ये पाप, ये आप पाप क्यों कर रहे हो? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उन्हें प्लीज। कौन है बे तू? इस बच्ची को लेके यहाँ कौन आया? भाई अनाथों का भगवान है ये। नमस्कार करो, भाई आया है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? हॉलिडे है ना, अपने दादी के घर गए। तेरे बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा। ओ, फिर अनाथ बच्चों का क्या? वो अनाथ नहीं है। अनाथ लोगों के लिए ये भारत देश अनाथ नहीं होना चाहिए, उनको विदेश में भेज कर
इस देश से अनाथों को कम कर रहा हूँ। इनकरेज करने के बजाय ऐसे अटैक करेगा क्या लंबू? पैसा नहीं था इस पांडे के पास, आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ इन अनाथों की वजह से ही हूँ। मेरा नाम कस्तूरी पांडे से अनाथ पांडे बदल चुका है। नाम आसानी से बदल लूंगा लेकिन अपना बिजनेस नहीं बदल पाऊंगा लंबू। तेरे भी बच्चे हैं ना, अगर तुझे कुछ हो गया तो वो भी तो अनाथ हो जाएंगे। उनके बारे में सोच, तब तू इनका दुख समझ पाएगा। ए, मदर टेरेसा बन के ये आदमी आया रे, हम बदल जाएं या भाग जाएं? एक एक को यहीं काट दूंगा, उसके बाद इन बच्चों को ले जाऊं। ये बात नहीं सुन रहा है, इसीलिए इसे भगवान के पास भेजना होगा। भेजो। ए रुको, मरेगा क्या? ए पागल हो गई है क्या तू? ए क्या कर रही है? भैया इनको मारो, भैया इनको छोड़ना मत, भैया इनको मारो, छोड़ना मत भैया इनको, भैया इनको छोड़ना मत, मारो भैया इनको, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, छोड़ दो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे प्लीज। ए तुझे मारा तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लेगा तू, अरेस्ट करवाया तो बेल लेके बाहर आ जाएगा और दोबारा ऐसा गंदा धंधा शुरू करेगा। तुझे जिंदा छोड़ना देश के लिए छोटी, बुरा मत मान, ये तो मेरा काम है। नहीं नहीं, ये सिर्फ धंधा है, धंधा है। भैया इसको मार डालो। गब्बर मर गया। राजू, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम लोग जो कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। अगर चीजें लोगों के सामने आ गई तो क्या होगा रंजीत? किस बारे में बात कर रहा है तू? तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकता, मैं ये जानता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि आज तक तुमने मेरी हमेशा मदद की है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो देख के मुझे डर लग रहा है। मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए रंजीत। राजू, जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सोच नहीं रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ। हे, तुझसे छुपके मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ना तो मैंने कभी ये करने को सोचा है और ना ही कभी मैं ये करूंगा, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यार। क्या सही है और क्या गलत है हमारी अंतरात्मा जानती है, गलत को हम सही नहीं बोल सकते हैं यार। तू जो कुछ भी सोच रहा है वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, मैं बस लोगों के दुखों को खत्म करने की कोशिश कर रहा। जिंदगी का मतलब जन्म लेके मर जाना नहीं होता है यार, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें खुद को लगे कि मैंने कुछ किया है और भगवान को भी गर्व हो कि मैंने तुझे इंसान बनाया। जब इंसान को भूख लगती है ना तो वो खाने की तरफ दौड़ता है, और जब खाना नहीं मिलता है ना तो वो गलत करने को मजबूर हो जाता है। तेरे लिए पैसे लेकर के आया हूँ, पढ़ाई कर, तू फालतू बातों पे ध्यान मत दे। जिंदगी जीने के लिए मेरे लिए थोड़ा सा पैसा काफी है, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे इस बात का जवाब दे रंजीत। हमारे देश में एक दो अनाथ नहीं है बल्कि लाखों की तादाद में है, उनकी भूख मिटाने के लिए एक थाली से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए मुझे इतने पैसे चाहिए। मैं फिर से एक ही बात पूछ रहा हूँ तुझसे, इस पैसे की सच्चाई क्या है मुझे बता दे। जिंदगी शुरू होने से ही संबंध शुरू होते हैं और खत्म होने पे खत्म हो जाते हैं। तुझे याद है ना हमारी जिंदगी कहां से शुरू हुई थी? रुक!
ए खान, देखो यहाँ कहीं होंगे। यहाँ भी नहीं है। अरे देखना, ढूंढ। कहाँ गया वो? ढूंढो उसे। देखना उधर। हाँ, देखता हूँ। यही कहीं होगा। ढूंढो सब तरफ। ए, तूने किसी आदमी को देखा? चले गए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रंजीत। आज तुमने मुझे नहीं बचाया है, मेरे परिवार को बचाया है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटा? माँ और पापा नहीं है, मेरे लिए यही है। मेरे साथ मुंबई आओगे? हमें खाना मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा। मुझे पढ़ाई करनी है, स्कूल भेजोगे क्या? हाँ भेजूंगा बेटा। बेटा रंजीत, ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा तो क्या करोगे? ये पैसा कम है उसके लिए। देखो रंजीत बेटा, मैं बहुत दिनों से ये हवाला का बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा करना बहुत गलत बात है, लेकिन ये काम मैं जीने के लिए करता हूँ। वो भी विदेशों में काम करने वाले लोगों का पैसा उनके घर तक भेजने के लिए कमीशन लेकर ईमानदारी से करता हूँ। इतना ही नहीं, हमारे देश से एक रुपया भी कभी विदेश को हवाला नहीं किया है। कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, उसने हमारे देश के लोगों का पैसा लूटकर धोखे से विदेश भेजने के लिए मुझे दिया था। उसकी तबीयत खराब थी, वो अचानक मर गया। उसके सारे पैसे मेरे पास थे। वैसे करना क्या होगा भाई? मैं बताता हूँ, मेरे देश का एक रुपया भी बाहर के देश में नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो पैसे तो सेंट्रल मिनिस्टर के है ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे रंजीत, अगर जीना है तो डरना नहीं चाहिए, अगर डर गए तो जी नहीं पाओगे। क्या बात कर रहे हो भाई? अगर तुम किसी भी सिग्नल पर अपने जैसे अनाथ को नहीं देखना चाहते तो इन पैसों का उपयोग करो। उन लाखों बच्चों के भविष्य बनाने में इन पैसों का उपयोग करो। ऐसा नहीं है खान भाई, जितना मेरे लिए मेरा लक्ष्य इम्पोर्टेंट है, उतनी ही आपकी जान इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत बोलो बेटा, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अब कुछ मत बोलना, तुम्हारा यहाँ एक पल रुकना भी ठीक नहीं है। ये लो, ये नोट दिखाकर वो पैसे कलेक्ट कर लो। ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, किसी और को पता नहीं है। सुनो रंजीत, आज से तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तुमसे मिलने के लिए मैं खुद ही आऊंगा। खान भाई, बेटा अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, संभल के रहना भाई। अब जाओ बेटा, जाओ। पैसा किधर है? कहाँ है पैसा बताओ। कैसा पैसा? हवाला के लिए 100 करोड़ दिए थे, वो कहाँ है? वो तुम्हारे राजनेता द्वारा चुराए गए जनता के पैसे हैं, मतलब वो हमारे पैसे हैं। इस तरह का धोखा देना तुम जैसे मुस्लिम के लिए आसान है। मैंने एक आदमी को धोखा दिया तो मैं मुस्लिम हूँ? तुम्हारे मंत्री ने हजारों को धोखा दिया है तो वो क्या है? उसका धर्म क्या है जो तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो? तुम्हारा धर्म कुछ भी हो, लेकिन हम सब इंसान हैं। वी आर ऑल इंडियंस रे ब्लडी फूल। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान होता है, मतलब वो सपने में भी किसी को धोखा नहीं देता। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसा कहा जाता है हमारे देश में, लेकिन मुस्लिम देश में मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि हिंदू देश में
मुस्लिम को भाई बनाकर रखते हैं। ऐसा गर्व से कहने वाला मुस्लिम हूँ मैं। वैसे भी देश से गद्दारी करने वाला हर मुसलमान नहीं होता है। बम से धमाका करने वाला हर इंसान इस्लामिक नहीं होता। अरे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी उसमें मुस्लिम भी थे। मुस्लिम लोग साइंटिस्ट भी हैं। इतना सारा गर्व करने का मौका हमें इस देश ने दिया है। इतना ही नहीं, अगर इस देश के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी मुसलमान पीछे नहीं हटने वाला। रे बदमाश, अरे उन पैसों से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो तुम्हें दुख हो रहा है? एक रुपया भी तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम लोग जो धंधा कर रहे हो उसमें एक दिन तुम्हारी जान जरूर चली जाएगी। तुम सबके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसके लिए तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। मेरा भारत महान। मेरे सपनों को बचाने के लिए खान भाई ने मर जाना ठीक समझा। ये जो पैसे हमें मिले हैं, समझ ले उन्होंने अपनी जान दे के हमें दिलाए हैं। इन पैसों से हम अनाथों की आंखों में खुशी देखेंगे। खान भाई और मैंने जो सपना देखा है वो सपना कभी बिखरने नहीं देंगे हम। रंजीत, आजकल तो लोग 1000 रुपए के लिए भी लोगों की जान ले लेते हैं और तू 1000 करोड़ की बात कर रहा है। मुझे तेरे सपने से ज्यादा तेरी जिंदगी की फिक्र हो रही है। देख भाई, वो सारा पैसा मिनिस्टर का है, वो खतरनाक आदमी है। ये सब कुछ छोड़ दे, कम से कम हम लोग सेफ रहेंगे। राजू, अब तक तूने सिर्फ 2 तरीके के लोगों को ही देखा होगा। एक जो भूख लगने पे खाना खाते हैं और दूसरा जिन्हें भूख लगने पे खाना नहीं मिलता। ये मिनिस्टर लोगों के पैसे लूटता है। भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कोई भी अनाथ भीख नहीं मांगना चाहिए, ऐसी मैंने कसम खाई है। राजू, तुझे अभी इस काम में अंधेरा दिख रहा है, लेकिन मैं इसके पीछे की रोशनी देख पा रहा हूँ। अगर हम ऐसे ही डर के हार गए तो कभी भी हमें जीत नहीं मिलेगी। मुझ पे यकीन कर प्लीज। मैं तुझे गलत नहीं बोल रहा हूँ यार, लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। देख, जिस मंजिल के लिए तू आगे बढ़ रहा है उससे पीछे मत हटना, लेकिन पहले यहाँ से दूर चला जा। यहाँ की परेशानियां तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मैं जानता हूँ तू जिंदगी में कुछ कर सकता है, उसके लिए तुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा यार। तू संभल के रहना यार। ए छोटू, ये टेबल क्लीन करो ना। हाँ करता हूँ मैडम। यहाँ मैनेजर कौन है? मैं ही हूँ सर। स्कूल जाने वाले बच्चों से काम कराते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पता है सर, लेकिन वो अनाथ है, भूखा था इसलिए काम पर रखा। पढ़ाई करवाने के लिए मैंने कोई सोशल सर्विस नहीं खोल रखी है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन सब लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। देखो इसे तो गुस्सा आ रहा है। इसे तो गुस्सा आ रहा है ना? अरे ये क्या है, वहाँ तुम ही थे ना? उस दिन तुमने टैगोर बोला था ना? हाँ। उस भैया ने मेरा स्कूल में नाम लिखवाया। ऐसा क्या? रहने के लिए हॉस्टल भी दिलवाया है। ओके बाय। बाय। वाटर प्लीज, वाटर प्लीज, थैंक यू। वन सेकेंड, वाटर देने के लिए नहीं, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया ना। सॉरी, उस दिन आपका मजाक उड़ाया। फिर कब मिलेंगे?
थोड़ा घमंडी लगता है, शायद पागल भी है, बट ही इज नाइस गाय। बहुत अच्छा आदमी है वो। हे, उसके लिए तुम्हारा इंटरेस्ट देख के लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तुझे डाउट है? मैं तो कंफर्म हूँ ये लव में है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ही इज परफेक्ट एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बस इतना ही। रहने दे यार, इतना काफी हम लड़कियों के लिए, ऐसे ही तो लव स्टार्ट होता है। हे, तेरा टाइगर आ रहा है। तुम यहाँ बैठ कर ना, अपने हीरो को अच्छे से देखो। उधर हमारे हीरो पवन कल्याण को कौन देखेगा। चलो हमारा टाइम हो गया है। जो बोला था वो सब कुछ आ गया है ना। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हेलो। बैठो। हाँ सर, आपने जो बोला है बच्चों के लिए जो भी चाहिए वो सारी किताबें, 3 टाइम का खाना, कपड़े के लिए और तकिए के लिए, बेडशीट के लिए और पलंग के लिए, सब कुछ मिलाकर खर्च 550,000 होगा सर। ये सब मैंने जोड़कर बताया सर। बच्चे के माँ बाप नहीं है इसलिए उसे कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। और बच्चे को ये एहसास ना हो कि वो अनाथ है। ओके सर। उन्हें जिंदगी ही नहीं, हाँ, शिक्षा भी दिलाना मेरा कर्तव्य है। ठीक। उन बच्चों का धर्म इंसानियत है। ठीक है सर। उन्हें बस एक बात पता होनी चाहिए कि इंसानियत ही उनका धर्म है। मैं सिखाऊंगा सर। सर का दिल बहुत बड़ा है। एक बात और कहनी थी आपसे, सैलरी के लिए काम मत करिए, अपने लक्ष्य के लिए काम। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हेलो। हाँ कौन? मैं हूँ सरयू। ओ आप, कहाँ हो तुम? बस अभी भीमली जा रहा हूँ मैं। मैं अभी आ सकती हूँ क्या? बहुत दूर है, आज कॉलेज नहीं है। सो प्लीज प्लीज टैगोर जी। अभी कहाँ हैं आप? कॉलेज के बाहर। आपने तो कहा कॉलेज नहीं है। वो आज क्लासेस नहीं है ना। ओ आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ओके, आई विल बी वेटिंग। यस। कॉलेज नहीं है ऐसा झूठ क्यों बोला? समथिंग समथिंग मुझे शक हो रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ओके ना, थैंक्स। बाय सरयू। बाय बाय सरयू। बाय, ऑल द बेस्ट। हाय टैगोर सर, 1 सेकंड प्लीज। स्माइल। यहाँ रुको,
प्लीज स्टॉप स्टॉप, यहीं पर रुकना है। हाउ इज दिस प्लेस? नाइस। आई लव यू दिस प्लेस। क्या बात है, आज इतनी खुश क्यों हो तुम? अंदर के डर को बस मैनेज कर रही हूँ। डर? किस लिए? किस लिए मतलब कैसे बोलूं तुम्हें? वो I love you। ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैं पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या किसी और से प्यार करते हो? हाँ। वो लड़की कौन है? लड़की नहीं है, लक्ष्य है। लक्ष्य तो सबका होता है, तो उसके लिए तुम शादी भी नहीं करोगे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सरयू, बी सीरियस। मैं एक अनाथ हूँ, तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। लव शब करके शादी वादी करने के बारे में मैंने सोचा नहीं है। प्लीज हम एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहेंगे। बचपन से प्यार नहीं मिला इसलिए तुम नहीं जानते। एक बार प्यार करके देखो तो सही, उसके बाद भी समझ नहीं आया तो मुझे छोड़ देना। मैं तुम्हारी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, एक बार मेरी बात तो मानो। सरयू, मैंने हमेशा तुम्हें फ्रेंड की नजर से देखा है, और जो भी ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ता है उसे लक्ष्य नहीं मिलता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसका मतलब तुम्हारे लक्ष्य से भी प्यार करूंगी। सरयो, तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें समझ में आ जाए? ओके, मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं हूं। आज के बाद अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे आंसुओं की कसम खाती हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं मिटेगा। तुम आज ना कल इसे जरूर समझोगे और एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। सरयू, तू यहाँ पर बैठा हुआ है, हम लोग तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। अरे सत्या, क्या हुआ तुझे? अरे ये सब क्या कर रहा है तू? अरे मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोल। ए सत्या, अरे क्या हुआ तुझे? अब कहाँ जा रहा है तू? सत्या, अरे अरे कुछ तो बोल। रुकना। ए सत्या, सत्या, ए सत्या, ए सत्या। अरे पूरी, सत्या को क्या हुआ? अरे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? हमें कुछ तो करना होगा। हम क्या करें यार, उसके डिस्टर्ब होने की वजह वो रंजित है, उसे ढूंढना होगा। वो कहाँ होगा हमें क्या पता? बताया था ना, वो भीमली में रहता है। चलो, अगर ये सही है तो भीमली से मिलना पड़ेगा। चला। इधर के इधर, रुको रुको रुको, इधर कहाँ जा रहा है? इधर से जाएंगे तो शॉर्टकट है। नहीं रे, उधर बहुत अंधेरा है। चुप रह पागल, मैं गूगल मैप जैसा हूँ, पूरा वाइजैग मेरे ब्रेन में है, इधर से शॉर्टकट है। चल तू चुपचाप बैठ, मैं ले चलता हूँ ना। अरे पूरी, कुछ गलत हुआ तू? तुमको सच में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ गलत होगा तो पीछे आ जाएंगे, क्या होगा? क्या यार, इतना अंधेरा है, हम दो ही लोग हैं, इस समय अगर हमारी गाड़ी रुक गई तो हमारी क्या हालत होगी? अब क्या हुआ इसे? क्या हो गया? एक झापड़ लगाऊंगा, ऐसी बातें करने का टाइम है? तेरी वजह से गाड़ी बंद हो गई है। मुझे क्यों डांट रहा है? गाड़ी में पेट्रोल है क्या? पेट्रोल की क्या बात है, बहुत था। कितना था? आधा लीटर। हाफ लीटर ही था? हाँ। हाफ लीटर में भिमली जा सकते हैं क्या? उधर जाकर रंजीत से 100 रुपए लेकर पेट्रोल डलवाऊंगा सोचा था, लेकिन बीच में ही बंद पड़ गई। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे थे कि उससे कर्ज लेने के लिए? वही तो, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मांगने के लिए सोचा था, लेकिन ए लगता है गाड़ी आ रही है। ओके सुनो, लिफ्ट मांगते हैं। भाई भाई, हमारी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हमें थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए प्लीज।
चल चल भगवान, थैंक यू भैया, चल 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 काम हो गया, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा, थैंक यू भाई। ए, ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चलाओ ना। ए, तू आगे देख कर ड्राइव करना। क्यों, इस समय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक आदमी से मिलने के लिए जा रहे हैं सर, शॉर्टकट बोलकर ये इस तरफ लेकर आया, पेट्रोल खत्म हो गया, फिर सही समय पर आप मिले। अच्छा भाई, आप क्यों इस समय मेन रोड छोड़कर इस तरफ से जा रहे हैं? मैं एक मैप की तरह हूँ, मुझे सारे शॉर्टकट पता है। वैसे तुम लोग को जाना कहाँ है? भीमली तक जाना है बॉस। क्यों? रंजीत नाम का एक आदमी हमारे फ्रेंड को बहुत तंग कर रहा है, उसको सबक सिखाने जा रहे हैं। तुम उसे जानते हो क्या? हम गूगल मैप जैसे हैं बॉस, चुटकी बजाकर पकड़ लेंगे। मैं जानता हूँ। कौन? रंजीत को। रंजीत को तुम जानते हो? और वही नहीं, उसकी दोस्त सरयू को भी। सरयू को भी जानते हो? सरयू को कैसे जानते हो बॉस? बॉस, उसको पकड़ने के लिए हम जा रहे हैं बॉस, वो कहाँ रहता बताओगे बॉस? उसके घर लेके चलता हूँ। उसके घर पर? थैंक यू बॉस, हमारा काम आसान हो जाएगा। हे भगवान। अरे रंजीत, हम तेरे घर पर आ रहे हैं, अब देखना हम क्या करते हैं, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। यहाँ लेकर क्यों आए हो बॉस? अरे क्या बॉस, आप रंजीत के घर लेकर जाओगे बोलकर अपने घर लेकर आ गए? हेलो बॉस, आपसे ही पूछ रहा हूँ। बैठ जाओ, बताता हूँ, सब समझ आ जाएगा। बैठ रहे, बोलिए बॉस। वो रंजीत मैं। सॉरी बॉस, हम चलते हैं। चलते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। अच्छा, तुम रंजीत हो क्या? ये देखो, ये रजनीकांत, मैं गोविंदा हूँ। पागल हो गए हो क्या, हमें लिफ्ट देकर गेम खेल रहे हो तुम? ए, चल रहे। सच में वो रंजीत मैं ही हूँ। तुम रंजीत हो क्या? एक मिनट रुको। ए, ए, क्या कर रहा है? हेलो। अरे सत्या, ये किसकी पिक है और तूने मुझे क्यों भेजी है? ये किसका है तुमको पता नहीं है क्या? सॉरी, मुझे नहीं पता यार। ये क्या, तुम रंजीत से मिले नहीं हो क्या? सॉरी यार, मैं रंजीत से कभी नहीं मिला, उसके बारे में किसी ने मुझे बताया था। पर तू क्यों पूछ रहा है? तेरा दुख देखकर तुमने जो एड्रेस दिया था उसे लेकर रंजीत को मिलने के लिए आए हैं। यहाँ कोई है जो खुद को रंजीत कह रहा है और हमारे साथ खेल रहा है। ए, पहले नंबर भेज मुझे दे। ए सत्या, जल्दी सरयू का नंबर SMS कर। अरे छोड़ ना यार, क्या बात कर रहा है, अभी बोल। ठीक है, अभी भेजता हूँ। ओके, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ रंजीत हो कि नहीं। हे सरयू का फोन आ गया। हेलो सरयू। हाँ बोलो। मैं सत्या का फ्रेंड पूरी बात कर रहा हूँ। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली बताओ? बताओ। मैं अभी उसके सामने ही हूँ, क्या हुआ? ठीक है, मैं आती हूँ, जल्दी आना। ए क्या हुआ? अरे यही रंजीत है। अरे सत्या, कहाँ है तू? हमने रंजीत को ढूंढ लिया। ओके। देखो बॉस, आपने बहुत बड़ी गलती की है। शादी होकर 3 दिन नहीं हुए, तुमने हमारे दोस्त की शादी तोड़ दी, बताए क्या? तुमने प्यार किया तो शादी करनी चाहिए थी। सरयू की शादी किसी और से क्यों करा दी? तुमने उसको छोड़ दिया था क्या, या फिर उसे धोखा दिया था? छी! अगर तुम्हें नहीं पता तो ऐसी बातें मत करो। हमने प्यार नहीं किया है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे। फ्रेंड? हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, सत्या को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन करो। ये क्या बात कर रहे हैं आप बॉस? सच कह रहा हूँ, सरयू के आने के बाद सब समझ आ जाएगा। सॉरी बॉस, सच में हमें पता नहीं था, माफ करना। सॉरी बॉस, हमें पता नहीं था। फ्रेंड है? वो लोग आने से पहले हम एक पार्टी करेंगे। करेक्ट यार, करेक्ट सर, सब कुछ भुलाकर हैप्पी पार्टी करते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा बॉस। कुछ भी हो, पार्टी करेंगे बॉस। सरयू, रंजीत, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, सत्या को पता नहीं चला, इसीलिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो दोनों आने के बाद बॉस के बारे में बोलना है। बहुत अच्छे हैं।
बॉस अभी आप यहाँ क्या बॉस? जल्दी मैजिक कर रहे हैं क्या? बॉस पार्टी के लिए पहले से ही तैयार थे हाँ। ले लो चीयर्स। अरे ये पार्टी हम दोनों की नहीं, इसकी वजह रंजीत है हाँ। रंजीत को भी चीयर्स बोलना हाँ यार, बॉस को चीयर्स बोलना है ना, चल बोलते हैं चीयर्स बॉस। बॉस ये क्या बॉस, क्या स्पीड है, हम लोगों ने चीयर्स नहीं किया और आपने अरे हम लेट हो गए यार हाँ? जल्दी पीते हैं। चल चल भाई, अगर एक सिगरेट मिल जाए तो बॉस आप इंसान हो या भगवान हो जो ये सब कर रहे हो? नहीं यार रंजीत है, सिगरेट नहीं यार, चखने में चिकन चिप्स होगा तो मजा आ जाएगा। बस आप इंसान है कि भगवान है पता नहीं चला। तुमने ही बोला ना रंजीत, फिर क्यों भगवान बोल रहे हो? भैया वो रिमोट दे दो भैया, हॉरर मूवी देखेंगे हम लोग, मजा आ जाएगा। हॉरर मूवी देखेंगे, हॉरर मूवी देखेंगे फिर तो बहुत मजा आएगा। यस आ गया, शुरू हो गया। मुझे डर लग रहा है यार। भाई हम डर गए, सोचा था ना तुम डरोगे या नहीं, इसलिए हम डर के दिखा रहे थे। आप डर गए क्या? आप नहीं डरे ना, हम भी नहीं डरे। मुझे टॉयलेट जाना है, तुमको डर लग रहा है ना, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। क्या कहा? तुमको टॉयलेट जाना है, मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं साथ में आऊँ? मैं नहीं आऊंगा। चलना रे, मैं नहीं आऊंगा बोला ना। तुम नहीं आओगे तो मैं रोक कर रख लूंगा। हाँ, रोक लो, बहुत देर से मैं भी रोक कर ही बैठा हूँ। हाँ? अरे भैया को भी टॉयलेट आ रहा होगा इसलिए वो भी ऐसे ही बैठे हैं। वो टॉयलेट गया होगा, जोर से लगी होगी तो। ये कैसी आवाज है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गए थे भैया, बता कर जाना था ना, तीनों लोग साथ में आए हैं, साथ में जाना चाहिए, ऐसा अकेले जाना गलत है। आपको डर लग रहा है तो हमें छोड़कर क्यों चले जा रहे हो? टीवी ऑफ कर दे यार। हाँ यार ऑफ कर देता हूँ। ये कितनी कॉमेडी हो रही है, भूत की फिल्म है। छी, अबे पागल नालायक, भूत समझ कर मैं डर गया था। ए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये घर किसका बताओ? अरे मैंने बताया था ना भैया, यही सत्य है। अरे रंजीत भैया, अरे अरे बहुत फ्रेंडली है ये। रंजीत कहाँ है? ये देखो यही तो है, ये देख। तुम लोगों ने मुझे उसका फोटो भेजा है ना? रंजीत भैया का फोटो है। तुम लोग क्या इस फोटो से बातचीत कर रहे हो, पागल है क्या? अरे फोटो के साथ कैसे बात करेगा, इतना बड़ा आदमी सामने बैठा है, उससे बात कराई थी मैंने। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पी लिया। ये तो क्या हुआ, ये देखो रंजीत भैया। हाँ। रंजीत भैया अरे यार ये मुझे इतना मार क्यों रहा है रे, तू इसे समझा। क्या रे ऐसा मार क्यों रहा है, देखो ना सर इतना बड़ा आदमी इसको दिख नहीं रहा है। अबे इडियट, मुझे भी मार रहे। ये तुम्हारे जा रहा है, अरे ये पागल हो गया लगता है, लगता है दारू पी कर आया है। रंजीत भैया सच में वहां बैठे। बकवास मत कर। सरयू तुम करेक्ट टाइम पे आई हो यार, सही टाइम पर आई हो। इधर आओ, वहां देखो रंजीत भैया बैठे हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। देखो अरे यार ये क्या जादू हो रहा है यार। देखो सरयू रंजीत भैया उधर बैठे हैं, ये पागल जैसी बात कर रहा है। तुम देखो वो, देखो रंजीत भैया आ गए। भैया आप कहाँ गए थे, बता कर जाना था ना। देखो सरयू रंजीत भैया आ गए हैं। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है ना, रंजीत को मरे हुए एक साल हो गए हैं। एक साल हो गए। रंजीत भैया लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं।
आप ही इन दोनों को समझाइए। आप अपनी कार में हमें लेकर यहाँ आए थे ना, मतलब भैया मतलब कार में भी हमारे साथ। ए, ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चलाओ ना। अरे तू आगे देखकर गाड़ी चला। मतलब हम दोनों को भूत ने दारू और चिकन सर्व किया था। आज से हम दोनों की दोस्ती में कट्टी, हम लोग जा रहे हैं। भैया 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 ऐसे मत देखो भैया। रंजीत भैया, क्या पागलपन की है ये? निकलो यहाँ से। बंद करो ये सब। तुम लोगों का ये जो ड्रामा है ना, आखिरी बार कह रही हूँ कि बंद करो ये सब। अरे मेरी माँ, अभी तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, रंजीत भैया उठेंगे तो समझ में आएगा। अभी तुम्हारा बैंड बजाएंगे, बैंड बजाएंगे। यार रंजीत कौन है रे? अब ये कौन है? यार रंजीत कौन है बोलो जल्दी, वरना शूट कर दूंगा। ये कौन है रे, मरने के लिए इतनी जल्दी आ रहा है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ए, यार रंजीत कौन है? तू है क्या? तू है क्या? तू है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। बोल जल्दी। मैं नहीं हूँ सर। नहीं 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 सर। वहाँ पे बंद हो गए। वहाँ पे बैठे। वो है रंजीत भैया। ड्रामा कर रहे हो क्या? गोली मत मारना। सर, सर वो मेरे दोस्त हैं सर, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। ये ड्रामा लग रहा है क्या? कौन है रंजीत? सर सर देखिए सर, हमें कुछ नहीं पता, हमें छोड़ दीजिए प्लीज सर, छोड़ दीजिए। बोल नहीं तो मार डालूंगा। सर सर यार क्या बन गया? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? टैगोर सर, आप प्लीज प्लीज सर, हमें कुछ मत कीजिए प्लीज। भैया भैया प्लीज, हमें मत मारना भैया। टैगोर सर प्लीज सर, हम आपके दारू के पैसे दे देंगे भैया। प्लीज हमें कुछ मत कीजिए। डरो मत, मैं आप लोग को कुछ नहीं करूंगा। सत्या, तुमने सरयू को गलत समझा है, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। सरयू, तुमने भी सत्या के बारे में गलत सोचा है। ये वीडियो सच नहीं है, उस लड़की ने मॉर्फिंग की। मॉर्फिंग एपिसोड में बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है, अब देखती हूँ तुम मुझे कैसे रिजेक्ट करोगे। सत्या, मानता हूँ कि सरयू मुझे प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा था, और जब मैंने उसे ये बताया तो वो गुस्सा होकर चली गई। उसे समझाने के लिए मैं उसके पीछे गया था, लेकिन बॉस थोड़ा धीरे चलाओ ना, क्या कर रहे हो बॉस? अरे आराम से। बीच में कार का एक्सीडेंट हो गया, मेरे सर में बहुत गहरी चोट लगी। उसके बाद मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में मेरे मोबाइल की लास्ट कॉल देखकर तुम्हें कॉल किया गया था, फिर तुम हॉस्पिटल आए। सरयू, सरयू, जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन पाई।
आरसी जिसने चुराई थी, पेरुमल उसके पीछे लग गए और फिर आप सबको पता ही है, किसी भी सिग्नल पे मेरे जैसे आंख नहीं दिखने चाहिए, यही मेरा लक्ष्य था। उसे पूरा करने में खान भाई ने भी अपनी जान गंवा दी। जब वो बात सबको पता चली तो मेरे दोस्त भी मारे गए। मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। पैसे यही हैं, प्लीज मेरा मकसद पूरा कर दो, प्लीज।